गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध पढ़ेंगे। आज का युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान ने हमारे जीवन को बाहर भीतर दोनों ओर से प्रभावित किया है। इसने बाहर से हमारे सभी कार्यकलापों को अपने प्रभावों में लिया है, तो भीतर से इसने हमारे मन मस्तिष्क को अपने अनुकूल बना लिया है। इस प्रकार विज्ञान से हम पूर्ण रूप से प्रभावित होकर इसके अनुकूल होने के लिए पूरी तरीके से बाध्य हो चुके हैं। इस संदर्भ में यह भी कहना उचित होगा कि विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि यदि आदिकालीन मनुष्य पृथ्वी पर आ जाए तो उसे शायद विश्वास ही ना हो कि यह वही पृथ्वी है जो पहले हुआ करती थी। इसके निवासी पहले जैसे हैं या सब कुछ पहले जैसा ना हो के बदल गया है। आज विज्ञान सब जगह वर्तमान है। दूसरे शब्दों में इसने एक साथ ही थल, वायु और जल पर समान रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया है। विज्ञान ने विज्ञान की सर्वव्यापकता और सर्वभौमिकता इस दृष्टि से भी यह सिद्ध होती है कि इसने जीवन के भीतरी और बाहरी स्वरूपों को भली भांति प्रभावित भी किया है। अब इसने प्रकृति पे कैसे विजय प्राप्त की है? अपनी सर्वव्यापकता को प्रभावशाली बनाने के लिए विज्ञान ने प्रकृति के सभी स्वरूपों को प्रभावित किया है। आज विज्ञान का ही प्रभाव है कि आकाश और पाताल के रहस्य भी एक एक करके खुलते जा रहे हैं। प्रकृति पर अपनी विजय पताका फहराते हुए विज्ञान ने दूसरे विधाता के रूप में अपनी पहचान प्रस्तुत कर दी है, विधाता यानी दूसरा भगवान। इसने जल पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और इसलिए इसने विभिन्न जलायान से लेकर दूरबीन जैसे चीजों की खोज की और जल के विषय में अपने ज्ञान की अपार वृद्धि कर ली है। इस तरह इसे न विभिन्न वायुयान सहित इस प्रकार के संचार अनुसंधान सहित कई सुविधाओं को भी अर्जित कर अपने कौशल का परिचय दिया है। पृथ्वी पर विज्ञान की धूम मचने का यातायात के क्षेत्र में विज्ञान आज विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में अपने प्रभावों को फैला दिया है। आज विज्ञान के द्वारा मनुष्य कुछ ही समय में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है, जिसके कारण हम पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाते हैं। मालवाहक साधन भी विज्ञान ने हमें एक से बढ़कर एक प्रदान किए हैं। ट्रक, मालगाड़ी, टेम्पू, हवाई जहाज प्रमुख मालवाहक साधन है जिससे हम मालों को ढोते हैं। उपसंहार, आज विज्ञान सचमुच ही हमारे जीवन में एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। वास्तव में यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए एक बेजोड़ महावरदान स्वरूप हमारी संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा है। यह हमारे लिए अलादीन के चिराग से कम सिद्ध नहीं हो रहा है। अब विज्ञान वरदान है। यह तभी तक वरदान है जब तक हम इसे विनाशकारी रूपों यानी कि बम, मिसाइल, तोप आदि सहित अन्य दुखद रूपों से बचकर रहे। इस आधार पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे वरदान माने या फिर अभिशाप। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जिस इन्हीं लाइनों से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे विज्ञान को वरदान की तरह मान सकते हैं और कैसे इसे अभिशाप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे। इस निबंध को आप लोग मेरे समझाए जिस तरह मैंने आपको समझाया उस हिसाब से अच्छे से पॉइंट वाइज लिखेंगे और नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है इस पे आप लोग अपना फीडबैक यानी हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी पीपीटीज है, जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं उससे संबंधित आप लोग हमें अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमें भेज सकते हैं।